just what I needed. You've picked up my pieces. You're my Novocaine and I'm addicted to you. मतलब यहाँ पे खड़े होकर ऐसा फील आ रहा है जैसे हम लोग बीच पे साइड में खड़े हैं, शादी के 2 साल हो गया लेकिन तब अभी भी इनका निब्बा निब्बी वाला प्यार चलता है कि सेम कलर वाला पहनेंगे हम। Hi guys, good morning. So it's 6:49 in the morning and I just woke up and the Bangalore weather is so cold nowadays and Jacquees is still sleeping. So I'm just going to brush my teeth and then I'll see you guys. So guys, see the view, it's so awesome, so cold and the wind is blowing so nicely. So guys, I have some editing work pending, so मैं अपनी videos को first edit कर लेती हूँ and उसके बाद इन्हें इसे post करना है मुझे and then I will see you guys. तो editing is done and now let's see what is the next plan for today. हाय गाइस, सो हम लोग आ चुके हैं अगारा लेक पे एंड ये एक रैंडम प्लान बन गया हम लोगों का। हम लोग घर से निकले कि विल गो समवेयर, विल सी मॉर्निंग में क्या कर सकते हैं या फिर क्या कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं बाहर जाके। बट ऑल ऑफ द सडन रकुट टुक मी दिस अगारा लेक जो कि है 15 किलोमीटर के अराउंड एंड लेट्स सी कि ये लेक कैसा है। सो आई एम कमिंग फर्स्ट टाइम हियर। किधर है लेक? मेरे कैमरे में तो दिख ही नहीं रही। ये सी द ग्रीन जी, ओ हो वहाँ ले आए कोई लेक वेक के बगल में। खुद तो भाई जूते और अच्छे से पहन के आए, हमको पहना के लाए चप्पल। सी हमने अपने हाथों दिए थे ना आपको चप्पल के, पहन लो। नहीं तो बताना तो चाहिए ना कहाँ जा रहे हैं। जानते हैं बताना तो है, वो तो रैंडम बन के प्लान हो, घूम लेते हैं चले जाने के लिए। बट गाइस यार ग्रीन इज टू गुड। अब जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ना, दिस इज सो ब्यूटीफुल। वीडियो चालू होते तो बैलेंस चला गया। शिट मैन, अब जैसे वीडियो चालू होगी तो बैलेंस चला जाएगा। कैसे कर ले रहे वैसे भाई? ये बहुत ही हार्ड वर्क के बाद आता है। ये हार्ड वर्क बहुत सालों की प्रैक्टिस के बाद आता है ये। ओहो, इस पर दौड़ के दिखाओ। पिछले 5 साल, 2.5 साल से तुम अच्छे साल में रह रहे हो, 5 साल से आ रहे हो। दौड़ के दिखाओ इस पर तो मानो। तो गाइस सी द व्यू इज सो ब्यूटीफुल एंड क्या ही बताएं। आई डोंट नो, कैमरा ठीक है इतना जस्टिफाई नहीं कर रहा है, बट इट इज सो ब्यूटीफुल। सो हु कैन जस्टिफाई? क्यों पानी क्लोज होने से क्या हो जाता? ऐसा नहीं देखते, पानी टच करके देखते। क्या बारिश हो गई तो क्या करेंगे हम? ये रखो ना, मटक मटक के चल रहा है भाई। तुम कैमरे में ऐसा आ रहे हो जैसे तुम मटक मटक के चल रहे हो। देख लो क्या सही व्यू आ रहा है। चलो उधर खड़े होते हैं।
थोड़ा टाइम पास कर। बारिश आ रही है ना, सब टाइम पास हो जाएगा। क्या बोल रहे थे? क्या हवा आ रही है? दो चेयर लगाते, दो बियर बोतल होती। अच्छा, और ये थोड़ा वो होता है गूगल नेस्ट, चला लेते अच्छे अच्छे। Awesome man, बट बहुत सुंदर लग रहा है। मतलब यहाँ पे खड़े होकर ऐसा फील आ रहा है जैसे हम लोग बीच पे साइड में खड़े हैं, क्योंकि सी हवा एकदम ठंडी ठंडी आ रही है। हाँ, ऐसे हवा हम लोग गोवा गए थे, गोवा में भी नहीं आ रही थी, गर्म हवा आ रही थी। तो फिर हम गोवा जाके क्यों पसंद इस तरह में यहीं आ जाना चाहिए था ना? मैं तो कह रहा हूं दो चेयर लेके आनी चाहिए बस। हां, दो चेयर फोल्डेबल चेयर जो थी ना, लेके आराम से बारिश शुरू हो गई नाके के बैठो। हां, बारिश शुरू हो गई है। एंड सी गाइस, इट इज सो ब्यूटीफुल मैन। जो दुनिया में सबसे सुंदर है ना, दैट इज़ नेचर। मतलब ये खुद से क्रिएट हुई चीज़ें, ग्रीनरी, पानी, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। और गाइस, इतना सुंदर वेदर हो रहा है ना, मतलब मन नहीं कर रहा हमारा घर जाने का, बहुत अच्छा। व्हाट्स योर विंग स्पैन? और इधर से भी एक रास्ता, चलो आ जाओ। तो हम लोगों ने ब्लू ब्लू कलर के कपड़े पहन लिए। इसने इसने मेरा देख के पहना है बाद में। नहीं, नहीं। ये ऐसी करती है, कलर कलर मैच कर लेती है जब देखो। इट वाज कंप्लीटली कोइंसिडेंट। शादी को 2 साल हो गया लेकिन तब अभी भी इनका निब्बा निब्बी वाला प्यार चलता है कि सेम कलर वाला पहनेंगे हम। नहीं, सीरियसली बेबी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया तुम ब्लू पहन के बैठे हो। बट दैट्स गुड, शादी कितने भी साल हो जाए प्यार वैसे ही रहना चाहिए। निब्बा निब्बी वाला ना, निब्बा निब्बी नहीं, अच्छा प्रोफेशनल। हाँ, मैचो निब्बा निब्बी वाला प्यार आना चाहिए। इधर कुछ भी नहीं है, इधर लोग गेम खेल रहे हैं। ये लोग यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं। दिस इज स्विमिंग पूल, सो वी आर गोइंग बैक। ये था वो फाइनली प्यारा सा ब्लॉग। एंड लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट गाइज, नेवर फॉरगेट टू एंजॉय। डजेंट मैटर आप 5-स्टार होटल में जा रहे हो या आप जा रहे हो एक छोटे से ढाबे पे। व्हाट ऑल इज मैटर कि आप उस पर्टिकुलर प्लेस को एंजॉय कितना कर रहे हो। ऑलवेज बी विद द पॉजिटिव पीपल, देन ओनली यू विल गेट द सक्सेस इन योर लाइफ। अगर आप नेगेटिव लोगों के बीच में रह जाएंगे तो फिर आप लाइफ में वो चीज़ें कभी नहीं पाएंगे। तो ये मॉर्निंग हमारी बहुत अच्छी रही। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर मैं चैनल को ऑलरेडी फॉलो करते आ रहे हैं सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। कैसे पी रहे हो तुम?